Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, इलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं इला पटनायक। आज हमारी चर्चा का विषय है कोऑपरेटिव बैंक्स। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई है जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स या जिसे हम सहकारी बैंक कहते हैं, उसके कामकाज के नियमन पर एक अध्यादेश लाई है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इला जी, सबसे पहले क्या बड़ा बदलाव लाई है सरकार इस ऑर्डिनेंस के जरिए, सबसे पहले हमारे देखने वालों को यही बताइए। इससे आरबीआई जो रेगुलेशन करती है, सुपरविजन करती है कोऑपरेटिव बैंक्स पे, आरबीआई का जो कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव बैंक्स पे वो बढ़ जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें आरबीआई ने जो कोऑपरेटिव बैंक्स की जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है उसमें एक्चुअली हमेशा से एक प्रॉब्लम ये रही है कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, जो कि कोऑपरेटिव्स रजिस्टर करते हैं सोसाइटी के साथ, वो करते हैं स्टेट के साथ। तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें इंचार्ज होती हैं। और अभी तक ये एम्बिग्यूटी थी, ये क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी का इंचार्ज है तो वो सोसाइटी जब बैंक रन करती है तो उसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल आरबीआई कैसे करेगी ताकि वो कोई फ्रॉड ना हो उस बैंक में, या जिस तरह से स्कैम्स देखने में आते हैं और बैंक्स को बंद करना पड़ता है, वो उस तरह से कंट्रोल आरबीआई ज्यादा कर सके। तो कोऑपरेटिव बैंक के रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि किस तरह आरबीआई अब उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाएगी। और वो एम्बिग्यूटी जो थी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा या आरबीआई का ज्यादा कंट्रोल होगा, वो एम्बिग्यूटी हटा दी गई है, वो लैक ऑफ क्लैरिटी हटा दी गई है और उस चीज को क्लियर कर दिया गया है। तो एक ये सबसे अहम चीज है उस ऑर्डिनेंस में। दूसरी चीज जो उस ऑर्डिनेंस में आई है कोऑपरेटिव बैंक्स के रेफरेंस में, वो ये आई है कि ये बैंक्स अब फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके इक्विटी, स्पेशल काइंड ऑफ डेट, डिबेंचर्स रेज कर पाएंगे। अब तक क्या होता था कि आरबीआई इन बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को ये नहीं कह पाती थी कि तुम अपने पास इक्विटी रखो। इक्विटी से क्या होता है कि जब डिपॉजिटर्स जब बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है और डिपॉजिटर्स अपना पैसा मांगते हैं तो इक्विटी जिसकी होती है, ओनरशिप जिसकी होती है, वो उस पैसे को लूज कर देते हैं और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको पैसा पहले दिया जाए। पर अगर इक्विटी ही नहीं होती है तो फिर कई बार ये हुआ है पिछले 10 सालों में कि कई बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद करना पड़ा है और फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस उनको पैसे देती थी। जी, हाल के दिनों में हमने लंबी लंबी कतारें देखी लोगों की बैंकों के सामने अपने ही पैसे के लिए। तो वो जो सिनेरियो था उसमें बदलाव आएगा क्योंकि डिपॉजिटर्स जी तो आरबीआई या बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से ये कह सकती है एज अ नेक्स्ट स्टेप, ये कह सकती है कि आप इक्विटी होल्ड करिए। और वो रेगुलेशंस बनाने की पावर भी इसी ऑर्डिनेंस में आरबीआई के पास आई है कि उनको वो रेगुलेशंस जिस तरह से कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो बाकी जो बैंक होते हैं जिनमें हम ज्यादातर जो कमर्शियल बैंक्स में बैंकिंग करते हैं, उनको जैसे इक्विटी होल्ड करने के लिए कहा जाता है, उसी तरह अब आरबीआई इनको भी शायद कह पाएगी क्योंकि इनको अलाउ कर रही है कि मार्केट में से पैसा रेज कर पाए। तो बेसिकली किस तरह से डिपॉजिटर्स जो बैंक के, अब तक बहुत कोऑपरेटिव बैंक के, अभी ये पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की बात आई थी और वो डिपॉजिटर्स अपने पैसे डाले होते हैं और उनको फिर मिलता नहीं है और वो बहुत पैनिक हो जाता है मार्केट में और उनपे लॉस भी बहुत होता है क्योंकि रूरल एरियाज में ये बहुत बैंक हैं और वही सबसे छोटे डिपॉजिटर्स को ही सबसे ज्यादा लॉस होता है क्योंकि उनके एसेट्स बैंक में होते हैं। तो उस बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। तो इस ऑर्डिनेंस के बाद हम माने कि जो कमर्शियल बैंक है उतना ही मजबूत कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम है या लगभग उसके आसपास आ गया है? देखिए, एक कोशिश की गई है कि उसके आसपास आए, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि आरबीआई की सुपरवाइजरी कैपेसिटी क्या होगी। अब हमने अब तक जो देखा कई बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, जहां
पावर्स की कमी नहीं थी, आरबीआई के पास पावर्स थे, चाहे वो येस बैंक की बात हो या कई और कमर्शियल बैंक्स में जहां चाहे नीरव मोदी केस की बात हो, कई जगह जहां स्कैम्स आए हैं, आरबीआई के पास सारी रेगुलेटरी पावर्स थी, सारी सुपरवाइजरी पावर्स थी। तो सिर्फ ये बात नहीं थी कि पावर नहीं है, तो जहां पावर थी वहां पर भी काफी स्कैम्स हुए हैं, क्योंकि कैपेसिटी आरबीआई की कम है। और एक तरफ से देखा जाए तो हर जगह रेगुलेटर जो है वो मार्केट से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक स्टेप पीछे होता है कि वो कुछ तिगड़म निकालते हैं और फिर रेगुलेटर किसी तरह जाकर के उस तिगड़म को रोकता है, उसको कोशिश करता है कि वो ना करे। और वो तिगड़म रोकने के लिए और टाइम पर रोकने के लिए, ताकि डिपॉजिटर्स या टैक्सपेयर सफर नहीं करें, आरबीआई को अपनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी को काफी रैंप अप करना पड़ेगा। हर साल हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स लॉसेस बना रहे हैं और आरबीआई उसमें पैसा डालती है, तो लोग कहते हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉब्लम है। पर ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने पिछले 4-5 साल में देखा कि काफी स्कैम्स हुए और ये एक सुपरवाइजरी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है। तो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी उतने में ही, जहां पावर्स थी उतने में ही काफी नहीं थी, तो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स के स्पेस में पावर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उसके साथ में सुपरविजन, टाइम पे सुपरविजन, उनके बैंक्स के अंदर जाके डेटा देखना, चेक करना, डेली डेटा अपडेट रखना कि क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या फ्लॉज हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा आगे देखते हुए। तभी दोनों बैंक्स हम कह सकते हैं कि वो एक जैसे स्ट्रांग हुए हैं। तो यानी आरबीआई की भूमिका ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि वो सुधरे, या वो जिस तरह का नियंत्रण रखता है वो ज्यादा सुधरे, वो ज्यादा नजर रखे कि बैंकिंग व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं, केवल इस सुधार से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसमें, इस ऑर्डिनेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो दो तो ये चेंजेस हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेशनशिप में, एक चेंज है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के रिलेशनशिप में। जब एक बैंक फेल हो रहा होता है तो अभी तक जो प्रोविजन थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो ये थी कि आरबीआई बैंक पर मॉरिटोरियम लगाएगा और मॉरिटोरियम लगाने के बाद दूसरे उसका रेजोल्यूशन करेगा कोई और उसको, या जैसे टेक ओवर करता है या उसमें इक्विटी डालता है। रिसेंटली हमने देखा कि येस बैंक पे मॉरिटोरियम लगा, जब वहां पे स्कैम्स नजर आए, मॉरिटोरियम लगने के बाद फिर एसबीआई और एचडीएफसी में 30 दिन के अंदर के करीब उसमें पैसे डाले। जिस वक्त मॉरिटोरियम लगता है बैंक के ऊपर, उसका मतलब कि डिपॉजिटर्स अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, एक तरह से सारा फ्रीज हो गया, सब काम काज रोक दिया मॉरिटोरियम। हाँ, और उससे डिपॉजिटर्स को नुकसान होता है, क्योंकि वो सडनली देखते हैं कि उनका पैसा जो बैंक में था वो फंस गया है। इस ऑर्डिनेंस के बाद उन्होंने ये प्रोविजन जो जरूरी थी कि मॉरिटोरियम की जरूरत होगी, उसको चेंज किया है कि वो सीधा ही जाकर के, अगर वो पहले से किसी बैंक और भी कोई बैंक जो टेक ओवर करना चाहता है उसको, या जो उसमें इक्विटी डालना चाहता है, उसको खरीदना चाहता है, उसको अगर ले आते हैं तो वो सीधा दूसरा बैंक उनको ले पाएगा और इस मॉरिटोरियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस चीज के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी भी मतलब कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें हैं। अच्छी बात यह है कि शायद अगर ये बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेसी में ये चीज कर पाए वो इसको, और किसी को पता ना लगे और बैंक मैनेजमेंट को पता नहीं लगे कि ये बैंक टेक ओवर होने वाला है, तब तो वो बैंक से अब चोरी नहीं करेंगे कि अब जो बैलेंस शीट आरबीआई को पता थी वही बैलेंस शीट जो बायर खरीदेगा उसको वही बैलेंस शीट मिलेगी। पर अगर इस बीच में वो ये स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर पाते हैं तो, और मॉरिटोरियम नहीं है, तो लोग स्पेशली जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं जिनका लॉस होने वाला है, वो चुपचाप अपना पैसा निकाल लें। एग्जैक्टली, वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो मॉरिटोरियम हटाने के कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। अब अगर तो आरबीआई अपनी कैपेसिटी इतनी इंप्रूव कर लेती है, इतना, जैसे कई जगह हम देखते हैं यूएस में एफडीआईसी जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस और रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है, वो फ्राइडे को जब बिल्कुल चुपचाप वो बैंक को वॉच कर रही होती है, और फिर जब फ्राइडे को बैंक बंद होता है
तो उसके बाद वो स्टेप इन कर जाते हैं और सैटरडे संडे को वो बैंक को सेल कर देते हैं, और मंडे को अब जब आप बैंक जाते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड चेंज हो चुका है कि और कोई बैंक ने उसको टेक ओवर कर लिया है। अगर हम भी उस एफिशिएंसी से मूव कर पाएंगे तो ये जो प्रोविजन है ये बहुत यूजफुल होगी, पर अगर हम उस एफिशिएंसी से मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर हो सकता है कि उसकी बैंक की बैलेंस शीट को उस दौरान प्रोमोटर्स और मैनेजर्स चेंज कर लें। तो इस मतलब पूरे टोटल ऑर्डिनेंस अच्छा है, ये बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश है, पर इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आरबीआई की कैपेसिटी, सुपरवाइजरी कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव हो। वो जिस तरह से, जैसे नीरव मोदी केस में हमने देखा कि 2011 से ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट दिए जा रहे थे पंजाब नेशनल बैंक से, और उनका जो कोर बैंकिंग सिस्टम था वो उनके स्विफ्ट सिस्टम से बात नहीं कर पा रहा था। तो मतलब वो प्रोविजन ही नहीं थे कि ये वाली खबर पूरे बैंक के सिस्टम को, मेन सिस्टम को, कोर सिस्टम को पता चले। तो अगर इस तरह के फ्लॉज होते रहेंगे तो फिर ये सब फायदा नहीं है करके, बेमानी हो जाएगा। हाँ, पर अगर उन्होंने ये प्रोविजन जो ऑर्डिनेंस में लाए हैं उनके साथ साथ अपनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी इंप्रूव की, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की, तो फिर ये बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मैनेजमेंट की बात की, एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ, क्या मैनेजमेंट कैसा हो, कौन मैनेज करे बैंक को, उस पर भी आरबीआई नजर रखती है या ये उसके रेमिट में नहीं आता है? क्योंकि अगर धांधली उस क्षेत्र में हो रही है या होने की संभावना है तो आरबीआई को उस पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। रखती है बिल्कुल नजर रखती है आरबीआई मैनेजमेंट पे, और कई हम आप पिछले कुछ साल दो साल में देखेंगे कि कई बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स के मैनेजमेंट में चेंजेस लाए गए हैं, और आरबीआई स्पेशली अगर फ्रॉड होता है तो चेंज होता ही है, पर अदरवाइज छोटा सा भी कोई इशू आता है, इंटेग्रिटी इश्यूज जिसको आरबीआई कहती है, इश्यूज आता है तो वो मैनेजमेंट को चेंज करती है। और इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रोविजन में अब वो जो मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखती थी, जो पहले वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में रख सकती थी, वो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं रख सकती थी, पर इस ऑर्डिनेंस के बाद वो कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट पर भी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि पहले वो सारा मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ था जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी, और स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होती है और वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, और कोऑपरेटिव बैंक हर जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो मिले हुए होते हैं, ये मतलब नोन फैक्ट है कि वो फिर कंट्रोल आरबीआई का नहीं होता था, पर इस ऑर्डिनेंस के बाद वो कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजमेंट पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर बैंक अच्छे होंगे तो क्योंकि वो इक्विटी बेस कर सकते हैं तो वो शायद ग्रो कर पाएंगे, और अगर वो खराब होंगे तो आरबीआई की मैनेजमेंट अब चेंज कर सकती है। तो एक तो मैनेजमेंट पे भी नजर रखेंगे, ऑपरेशंस पे पहले ही नजर रखते थे, पर आपको लगता है कि ये अध्यादेश क्यों आया अभी इस वक्त? क्या ये जो पीएमसी, आपने बात की पीएमसी के बाद सबकी आंख खुली, क्योंकि आमतौर पर कोऑपरेटिव बैंक्स गाँव में होते हैं, छोटे शहरों में होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट केंद्र तक नहीं पड़ता है, दिल्ली की सरकार की आंख नहीं खुलती, लेकिन पीएमसी ऐसा था जहां मुंबई में लंबी लंबी लाइनें दिखी, बड़े शहर पे इसका असर दिखा। तो और ये जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद आपको लगता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और गांव में भी ज्यादा आपको देखेंगे लोग जो है कोऑपरेटिव बैंक्स पे निर्भर करते हैं क्योंकि शायद इंटरेस्ट ज्यादा, ब्याज ज्यादा मिलता है, तो क्या वो सब चीजें बदलेंगी और लोगों का या तो कोऑपरेटिव से हटेंगे या कोऑपरेटिव मजबूत होंगे तो वो सुरक्षित ज्यादा होगा निवेश? देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि इस जितने सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और छोटे छोटे रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरबीआई के लिए हर गांव-गांव में जाके बैंक्स पे नजर रखना कि इनमें क्या हो रहा है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो जो बैंक्स बड़े हो जाएंगे पीएमसी की तरह, जो बहुत बड़े हो जाएंगे, जो नजर में आ जाएंगे, वो बैंक पर तो बड़ा क्लियर हो गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट के बदले आरबीआई का कंट्रोल आ जाएगा और वो उसमें इंटरवीन कर सकते हैं और
सिचुएशन को बहुत खराब होने से पहले उसको रोक सकते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी इसकी वजह से, ऑर्डिनेंस की वजह से, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोऑपरेटिव बैंक सेफ हो गए हैं। जो जगह जगह गांव गांव में छोटे छोटे अगर कोऑपरेटिव बैंक हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो सेफ इसलिए नहीं हुए क्योंकि सुपरवाइजर के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो जाके सब हर बैंक के बुक्स को देखे कि अच्छा इसने इसको लोन दे रखा है, ये लोन सेफ है कि नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है करना किसी भी सुपरवाइजर के लिए। और इसलिए अभी भी अगर कोई बहुत हाई इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है जो कि मार्केट के बाकी इंटरेस्ट रेट से हायर है, मुझे लगता है अभी भी डिपॉजिटर्स को ही कॉशियस होना पड़ेगा। उसकी वो ग्रीड में चले जाएं और सोचें कि आरबीआई इसको आके देख लेगी और रिजॉल्व कर देगी, तो उससे डिपॉजिटर्स का ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि आज तक तो ऐसे ही होता है कि बैंक ढह गया और आरबीआई को घुसना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं, और डिपॉजिटर्स कई डिपॉजिटर्स के बहुत सारे पैसे गए भी इस समय। तो आपका कहना है कि ध्यान डिपॉजिटर को ध्यान रखना है और ये सोचना है, देखना है कि किस तरह के बैंक में वो जाए। बिल्कुल, डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख होती थी और 5 लाख कर दी गई है, और अगर बैंक के पास आपके पास 5 लाख से ऊपर है बैंक में तो आप उस अमाउंट को लूज कर सकते हैं। तो आप अगर ये सोचें कि ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जैसे यस बैंक में अगर हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और लोग उससे अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद जो है उस बैंक में स्कैम पाया गया, इस वक्त तो ठीक है गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके और SBI और HDFC को इन्वॉल्व करके उन्होंने इक्विटी डाला उसमें और उससे वो बंद नहीं हुआ। पर ये रिस्क और जैसे जैसे ज्यादा बैंक्स के साथ ये रिस्क होगा, फिस्कल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, गवर्नमेंट की टैक्स पेइंग कैपेसिटी लिमिटेड है, SBI HDFC या जो भी हेल्दी बैंक हैं, हम ज्यादा उन पे भी बोझ नहीं डाल सकते हैं कि वो अपने अच्छे एसेट्स को खराब करें। तो इसलिए डिपॉजिटर्स को ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और ग्रीड जो कि ये है कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं उसमें पैसे डाल दूँ, वो आंख बंद करके डिपॉजिटर्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी लालच बुरी बला। तो अब आप एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बैंकिंग क्षेत्र में आपको लगता है कि अब एक समय आया है कि ज्यादा और कंसोलिडेशन की जरूरत है और ज्यादा स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है ताकि ये स्कैम्स भी कम हो, नियम RBI भी कुछ गिने चुने बैंक्स हो जिन पे उसको नजर रखनी है, वो भी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। और मुझे नहीं लगता कि कंसोलिडेट करके और बैंक्स को कम करके और कंपटीशन को कम करके हमारी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और हमारे किसानों को और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विसेज मिल पाएंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी सुपरवाइजरी कैपेसिटी इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी पावर्स और कैपेसिटी उसको आप इम्प्रूव करिए और कॉम्पिटिशन अलाउ करिए। क्योंकि आज तो आपको पता है बैंकिंग सिस्टम के टोटल बैलेंस शीट का सिर्फ 5% मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को जाता है, जो कि इस देश की 50% एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जो इंडस्ट्रीज टोटल एम्प्लॉयमेंट में से 50% स्मॉल इंडस्ट्रीज में से आती हैं, और फिर भी उनको सिर्फ 5% क्रेडिट मिलता है। तो कंसोलिडेशन तो एक तरीका है, और मुझे लगता है कि हमें एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। बहुत सालों से सरकारें बड़े से बैंक्स को मिला करके सिंगल बैंक करने की कोशिश करती हैं, उससे हमारे किसानों को, हमारे स्मॉल बिजनेसेस को, ट्रेडर्स को, MSMEs को लोन नहीं मिल पाए हैं। तो वो आई थिंक कॉम्पिटिशन इज द वे टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इलानॉमिक्स में। आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। Thank you.